गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आज 50-50 हॉर्स पावर की 3 मोटरों का JTS दादर नगर में किया शुभारंभ। विधायक ने कहा अब इस उद्घाटन में पानी की भीषण संकट से मिलेगी राहत। समय समय पर त्रस्त होने वाले आम नागरिकों की समस्याओं से विधायक ने जुड़कर जनहित में पेयजल समस्या का निराकरण हेतु जूझकर सफल प्रयास किया। विधायक ने कहा इससे लगभग 75,000 जनता दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया नहर कोठी विवेकानंद नगर सेवा ग्राम बस्ती नगर महापालिका कॉलोनी दादा नगर लेबर कॉलोनी आदि क्षेत्रों की लाभान्वित होगी और इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति हेतु यदि नहर और अन्य स्रोत संकट देंगे तो यह सहयोगी स्टेशन के रूप में काम भी करेगा। विधायक ने कहा कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानी की समस्या और सीवर की समस्या पिछले लगभग 20 वर्षों से लंबित है जिसको लगातार समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें काफी हद तक सफल प्रयास भी हुआ। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी एवं जलकल के AE श्यामराज JE राजकुमार पटेल जल निगम के JE पंकज गुप्ता और नगर पार्षद दीपक सिंह एवं अखिलेश पांडे मनीष अवस्थी मंजू तिवारी पप्पू पासवान KK मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। पचास HP की 3 वो लगी हैं मोटरें और जिससे इस पूरे क्षेत्र में सेवाग्राम बस्ती कहले हम और दादा नगर का वो क्षेत्र कहले जो पानी से कई कई बार भीषण संकट से गुजरता है उनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए क्योंकि जल प्राथमिकता है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक योजना कि प्रत्येक घर में नल से पानी पहुँचे उस दिशा में हमारे तंत्र का काम बराबर निरंतर जनता के हित में जारी है। आज यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है और निश्चित रूप से इससे पानी का वो संकट जो बार बार हम लोगों को झेलने को मिलता है सहायक के रूप में पूर्ण होगा और लोगों को घरों में पानी प्राप्त होगा गया है। आज इसको चालू कर दिया गया है। अब ये तो वो प्रक्रिया है कि जो चालू करके जहाँ जहाँ जैसी कठिनाई आती जाएगी उसको दूर किया जाए।